बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे अबगीनाए रंग तेरे मुहित में अबाब। माय फ्रेंड्स, आज हम थर्ड क्लास में काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन की माइंड के सिम्टम पढ़ रहे हैं और फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ रहे हैं। जिसकी माइंड सिम्टम में सबसे पहले जो सिम्टम है, दैट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है ला ताल्लुक होना। इनडिफरेंट मीन ला ताल्लुक होना। किसी की कोई खुशी है, किसी की कोई गमी है, उस बंदे को उससे कोई सरोकार नहीं होता। बस उसको अपने आप से ही सारी बातें उससे अपने ही आप में वो खोया रहता है। ठीक है, किसी की गम खुशी, ठीक है, किसी का भला या किसी का बुरा, इससे उसको कोई सरोकार नहीं। बस पेशेंट अपने ही आप में मगन है। दिस इज़ इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट हमारी बहुत से मेडिसिन में, कोई किसी चीज़ से इनडिफरेंट है, कोई किसी चीज़ से इनडिफरेंट है, कोई किसी चीज़ से इनडिफरेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनडिफरेंट है। नंबर टू है लो स्पिरिटेड आफ्टर लीस्ट अनॉयंस। लो स्पिरिटेड आफ्टर लीस्ट अनॉयंस। लो अनॉयंस का मतलब होता है खफगी, यानी आप मामूली से जो खफा होते हैं, हल्के से नाराज होते हैं, उसको अनॉयंस कहते हैं। लो स्पिरिटेड आफ्टर लीस्ट अनॉयंस, मामूली सी खफगी से भी पेशेंट बिल्कुल अपने मायूस हो जाता है, लो स्पिरिटेड हो जाता है। ठीक है, अपनी जो उसकी जो पावर्स हैं, उसकी फैकल्टीज हैं, वो सुप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। पेशेंट बिल्कुल मायूस हो जाता है, मामूली सी नाराज़गी से भी, ज़्यादा नहीं, मामूली सी नाराज़गी से भी ऐसे हो जाता है उसके साथ। नंबर तीन है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्त, काहे, ग्रेट डिसइंक्लिनेशन फॉर मेंटल और बॉडी लेबर। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है कि सुस्त, काहिल, ठीक है, स्लगिश, इस तरह से टोरपिड, ये सारे सुस्त के स्लगिश के वाले से आते हैं, जो मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है ना। तो ग्रेट डिसइंक्लिनेशन फॉर मेंटल एंड बॉडी लेबर, किसी किस्म का कोई जहनी काम करना, किसी किस्म का कोई जिस्मानी काम करना, इस बंदे के लिए वो मुश्किल होता है, बड़ा स्लो होता है इस मामले में। ठीक है, इसका रुझान नहीं होता इस मामले में। नंबर फोर है एंथ्रोपोफोबिया। अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, एंथ्रोपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सोसाइटी। एंथ्रोपोफोबिया में फियर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से डरना। ठीक है, मतलब ये होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये सोसाइटी में मेल मिलाप करने से डरते हैं, नहीं करेंगे फिर। ठीक है ना, मेल मिलाप नहीं चाहेंगे, मिलना जुलना नहीं चाहेंगे, अलग अलग तरह के रहना चाहेंगे। मतलब ये हुआ ना, जो मिले गलेगा नहीं, वो अलग तरह के रहना चाहेगा ना। ठीक है, तो ये सोसाइटी से अलग थलग रहना चाहेंगे, इस तरह की इनके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी, एंथ्रोपोफोबिया, एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट है इल ह्यूमर। इल ह्यूमर का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, सड़ियल, बदमिजाज, ठीक है, इस तरह की सिम्टम्स इसके अंदर जहनी पाई जाती हैं। उसके बाद हम इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम्स में इसकी मोडलिटीज़ को देखते हैं। मोडलिटीज़ में इसका एग्रेवेशन, नंबर हीट ऑफ समर से इसका एग्रेवेशन है, गर्मी की जो हीट है उससे एग्रेवेशन है। नंबर दो, हॉट वेदर से इसका एग्रेवेशन है। नंबर थ्री, अनड्रेसिंग मसलन के उस कपड़े उतारने से उसको उसी बीमारी में इजाफा हो जाता है, अनड्रेसिंग होने से। नंबर फोर है अल्कोहल से, बियर से, स्टूपिंग। स्टूपिंग मीन इस तरह से झुकना। अब स्टूपिंग फॉरवर्ड भी होता है, स्टूपिंग बैकवर्ड भी होता है, तो ये दोनों स्टूपिंग इसमें आएंगे। ठीक है, दोनों तरह से स्टूपिंग इसके अंदर आएगी। सिटिंग, बैठने से भी इसकी बीमारी में इजाफा होगा। डैम्प वेदर में भी, कोल्ड वेदर में भी। ठीक है, टिपिकली टू टू थ्री एम का जो टाइम है, टू टू थ्री एम का जो टाइम है, मसलन ये टाइम कब बनता है, रात, ठीक है, रात दो बजे से तीन बजे तक का जो टाइम है, ये इस टाइम, ये इसका एग्रीवेशन का टाइम होता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट वामिका का भी आफ्टर मिडनाइट
उसके बाद आपकी आर एस एन के एल्बम का भी आफ्टर मिडनाइट ये टाइम होता है, तो इसका 2 to 3 AM का जो टाइम है इसमें इसका एग्रीवेशन होता है। नंबर नेक्स्ट आ जाता है सुप्रेस्ड कटार, फ्लू वगैरह दब जाने से, दब गया तो बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, तो इस तरह से सर में दर्द होगी या गौर फ्लू दब जाने की वजह से कंजेशन वगैरह हो जाती है, तो मेल्यूरेशन में इसके नंबर 1 हीट, नंबर 2 मोशन, हरकत से इसको सुकून मिलता है, प्रेशर एंड कोल्ड वेदर से भी, प्रेशर के साथ भी कोल्ड वेदर से भी इसको इसकी बीमारी में कमी आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने काली बाइक्रोमिकम की माइंड की सिमने पढ़ी है, उसकी मोडलिटीज़ को पढ़ा है, कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस सिमने पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।